इस शहर में कोई कायदा कानून है कि नहीं? वो रवि जंगली जानवर की तरह मेरे पीछे पड़ा है। इससे पहले कि उसके हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचे, मुझे मेरे बंगले पर पुलिस का पहरा चाहिए अभी इसी वक्त। ये अखबार पुलिस के बारे में क्या लिख रहे हैं पढ़ा है तुमने? यस सर। कोई गिरफ्तारी? नो सर। कोई सबूत? सिर्फ लाशें। और लाशें बोलती नहीं। मैं कहता हूं यह सब कुछ तुम्हारा भाई रवि कर रहा है। रवि, ये तुमने पढ़ा है एडिटोरियल? नहीं पढ़ा है तो पढ़ो इसे। इसमें तुम्हारा नाम तो नहीं है, लेकिन इशारा तुम्हारी तरफ है। और तुम मुजरिमों को इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे हो क्योंकि उनमें से एक तुम्हारा भाई भी है। सर, ये इल्जाम झूठा है, बेबुनियाद है, एक खोखले बंजर और सूखे दिमाग की पैदावार है। सर, जब तक मेरे जिस्म पर कानून की वर्दी है, मेरे लिए फर्ज पहले है, मेरा भाई बाद में। आप यहां कैसे? तुम जयकाल के पास कैसे? तुम्हारे डैडी तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट बनाना चाहते थे ना? एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, जयकाल के गुंडे मुझे किडनैप करके उसके अड्डे पे ले गए, और जब मैं वहां पहुंची तो डैडी, डैडी, नहीं! मेरे खिलाफ गवाही देने चला था, नहीं, मैंने इसे दुनिया से चलता कर दिया। तू क्या समझता है, तू बच जाएगा? नहीं, मैं दूंगी गवाही तेरे खिलाफ, मैं दूंगी गवाही तेरे खिलाफ। ये रहा तेरा आशिक। विकी? इससे बहुत प्यार करती है ना तू? इसकी लाश देखना पसंद करोगे तुम? सुना है बहुत अच्छा नाचती है तू। आज से तुम मेरे इशारों पर नाचेगी। नहीं विकी, बंद कर दो इसे तहखाने में। मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं कुछ नहीं कर सकी। I'm sorry. लेकिन आप यहां कैसे? मैं तो अपने छोटे भाई रवि के लिए। रवि कहां है? रवि मिले तो उसे कहीं दूर भेज दो, जयकाल के सारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल गया तो जयकाल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे इसी बात में तुम्हारी मदद चाहिए कविता। मेरे छोटे भाई के बारे में जो भी खबर मिले। शायद कोई आ रहा है, आप जाइए, मैं सब खबर देती रहूंगी। बोला सेठ, तुम्हें मला बुलावला का है? मेरे आदमियों में कोई भी काम का आदमी नहीं, इतने दिनों से कोई भी रवि का पता नहीं लगा सका। आता माझी उम्मीद फक्त तुझ्यावर आहे गायकवाड। शेठ, आजपर्यंत जे आपण काम आपण सांगितलं ते मी पूरा करेला। पूरा केला की नाही? तुमने मुझे जज अग्रवाल को मारने के लिए बोला, मैंने उसका एक्सीडेंट कर दिया, जज सोमनाथ और उसकी बेटी को जीप में उड़ा दिया। आता काय पाहिजे शेठ? बोला काय पाहिजे? रवीची मौत पाहिजे मला आता। शेठ क्या तुम्हें अपने चारों तरफ लगे पैरे के बार खुले में आना पड़ेगा? उससे क्या होगा? रवि को जब पता चलेगा तो तुम्हें मारने के लिए वो बाहर आएगा। पंत्याचा हमल्याचा अगोदर शेठ माझा हमला होईल। मी मरत नहीं, मारतो शेठ, मारतो। ठीक है, कल मैं फ्लाइंग के लिए जाऊंगा। थैंक यू कविता। शेठ, जब तक मी बोलत ना आए
तब तक तुम्ही प्लेन नीचे उतरू नका। ओके तो सड़क उठे गेला अपने उस चूहे को बोल के बिल से बाहर निकले। भी बोलता जल्दी बोल। बला मारू नका। हेलो शेट, मी त्याला गोळी मारून ठार केला की। वेरी गुड। मी मरत नाही, मरत पण नाही। आता तुम्ही जा माझा यमदूत, मी गायकवाड जातो नाशिक। देवा माझा देवा।